हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए क्यूट सा क्राफ्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसको आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो, खास करके अपनी बेस्टी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर ले लेना है। सो गाइस, आपको ये A4 साइज़ का पेपर ले लेना है। फिर वन साइड आपको इस तरह से फोल्ड करना है एंड सेकेंड साइड भी आपको सेम तरीके से फोल्ड करना है, एंड ये हमारा एक फाइल जैसा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करती हूँ। सो इसको मैं डेकोरेट करूँगी अपने हैंडमेड स्टिकर से जो हमने बनाया है। तो सबसे पहले इसका जो आउटर पार्ट है उसको कलर कर लेते हैं। सो गाइज, इसको कलर करने के लिए मैंने ब्रश पेन का यूज़ किया है। आपको तो पता ही होगा कि ब्रश पेन का रिव्यू मैंने डाल दिया है, तो चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ अगर जिन्होंने नहीं देखा है। सबसे पहला तो इसका एक टिप थोड़ा पतला होता है एंड दूसरे साइड का टिप थोड़ा सा मोटा होता है। सो गाइज, मुझे एकदम पतला टिप ही अच्छा लगता है, क्योंकि उससे जो कैलीग्राफी होता है वो बहुत अच्छा लिखाता है। सो आप बताना कमेंट्स में कि आपको कौन सा साइड अच्छा लगता है, फाइन साइड या ब्रॉड साइड। ओके, तो आउटर कवर के लिए मैंने कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं, चलिए आपको बना के दिखाती हूँ। सो गाइज, सबसे पहले मैं इसका कॉर्नर पे जो है ये ब्लैक आउटलाइन कर रही हूँ विदाउट स्केल, क्योंकि स्केल से शायद ये अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। सो गाइस, कुछ इस तरह से आपको आउटलाइन कर लेना है एंड बाकी 4 साइड्स भी आउटलाइन करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने इसके चारों कॉर्नर्स पे ब्लैक स्केच पेन से ब्रश पेन से आउटलाइन कर लिया है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों साइड पे भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रिटी लुक आएगा, तो चलिए इस पे भी कर लेते हैं। सो गाइज, इसके सारे साइड्स पे आउटलाइन हो चुका है, चलिए अब इसे हम लोग डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पे बर्थडे कार्ड बना रही हूँ एंड ये बहुत क्यूट होने वाला है। सो सी गाइज, मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा है, क्योंकि इसे मैं अपनी बेस्टी के बर्थडे पर गिफ्ट करने वाली हूँ। सो फुल ऑफ कैलीग्राफी, एंड आप लोग बताना कि आप लोग को मेरी राइटिंग अच्छी लगी या नहीं। सो चलिए गाइस, और डेकोरेशन ऐड करते हैं। सो गाइस सी, मैं यहाँ पे पिंक कलर से थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि इसका लुक बहुत अच्छा इन्हांस हो जाए। एंड गाइस सी, इट्स लुकिंग सो क्यूट विथ पिंक कलर। आप लोग बताना आप लोग को ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा या नहीं, या फिर आपको पर्पल और पिंक में देखना है। सो गाइज, मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है एंड बोथ लुक सो प्रिटी, क्योंकि गाइज पिंक के साथ जो कलर आ जाए वो बहुत प्रिटी लगता है। सो मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बेस्टी लिखा है एंड अब मैं इसे ग्रे ब्रश पेन से हाईलाइट कर रही हूँ। सो गाइज, ग्रे ब्रश पेन से अगर आप लोग हाईलाइट कर रहे हो तो आपका ड्राइंग जो है बिल्कुल 3D लगेगा एंड इट्स लुक सो क्यूट, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है एंड वो बहुत ही क्यूट लुक देता है। एंड पर्पल और ग्रे का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है नहीं है मुझे बताना, सो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे और क्यूट ड्राइंग वीडियोस ला सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे थोड़े डिज़ाइंस दे दिए ताकि ये अच्छा लगे। सो मैं यहाँ पर एक वाइट पेपर से हर्ट बनाऊँगी और उसका डिज़ाइन आपको बिल्कुल यूनिक लगेगा, तो चलिए इसे कट करते हैं। सो गाइज, मैं ग्लिटर शीट से हर्ट बनाऊंगी एंड वो जो स्मॉल हर्ट्स होते हैं वो मैं वाइट पेपर से बनाऊंगी, तो चलिए इसे कट करते हैं। सो गाइज, ये क्यूट हर्ट कट के रेडी हो गया है एंड अब आपको इसको बीच से कट करना है, ताकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए एंड इट्स लुक सो क्यूट। वन आपको एक साइड लगाना है एंड दूसरा इस साइड लगाना है। सो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत क्यूट लगेगा, तो लेट्स टेक इट। सो गाइज, ये बहुत क्यूट लग रहा है ओपन करने में भी। सी गाइज, सो आउटर कवर का तो हमने थोड़ा सा डिज़ाइन लगा लिया है एंड अब इस साइड का जो स्पेस पूरा ब्लैंक है उसको भी फिलअप कर लेते हैं अपने हैंडमेड स्टिकर्स। सबसे पहले मैंने एक बो लिया है जिसको मैं स्टिक करूँगी ग्लू की हेल्प से। एंड गाइज, हैंडमेड स्टिकर के पीछे आप वो थिन वाला ब्रॉड वाला होता है डबल साइडेड टेप, उससे भी आप स्टिक कर सकते हो, बट मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। सो मैं यहाँ पर उसे स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा ब्लैंक है। एंड यहाँ पर मैं एक हर्ट ड्रॉ कर लेती हूँ पिंक कलर से एंड ये बहुत ही क्यूट होने वाला है गाइज हमारा कार्ड। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फ्लावर ली हूँ, उसको भी हम लोग ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे।
ये हमारे सारे हैंडमेड स्टिक करेगा इस जो भी मैं इसमें स्टिक करने वाली हूँ। और अगर कोई प्रिंटेड या फिर बाइट स्टिकर्स होंगे वो मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग बहुत ही यूनिक लुक देने वाले हैं हमारे कार्ड को, ताकि वो बहुत पसंद आए हमारे बेस्टीज़ को। सो गाइस, मैं अपने फ्रेंड का नेम भी इंसर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके नेम के लिए भी स्टिकर बनाया था, क्योंकि मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि मैं उसके लिए कार्ड बनाऊंगी, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। सो इफ शी विल सी शी विल गेट सो मच हैप्पीनेस। सो मैंने यहाँ पे इसे स्टिक कर लिया है, एंड अंदर की पोर्शन को भी अब हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। सो गाइस, मेरी फ्रेंड जो है वो BTS आर्मी है, और उसे BTS बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसके लिए BTS स्टिकर भी बना लिया था, ताकि मैं अगर इसे स्टिक करूँ तो उसे बहुत हैप्पी हो जाए। सो गाइस सी, इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि BTS का जो लोगो है वो मैंने नहीं बनाया है, इसमें सिर्फ यही स्टिक किया है अच्छे से। सो गाइस, अब हम लोग इसमें क्या लिखे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हम लोग एक अच्छा कार्ड बनाएंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पर विथ लॉट्स ऑफ लव लिख दिया है, क्योंकि ये कोटेशन भी बहुत अच्छा है। तो हमारा आउटर कवर रेडी है गाइस, एंड ये बहुत क्यूट लग रहा है। तो चलिए अब इनका हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, पहले तो हम यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख देंगे। सो गाइस, मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से यहाँ पे एक टेप स्टिक किया है गाइस, और अभी आप लोग के लिए ये सरप्राइज़ होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन देने वाली हूँ। सो मैंने उसके लिए ब्लू ब्रश पेन का यूज़ किया है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हैप्पी लिख देंगे सिर्फ। सो गाइस, कुछ इस तरह का डिज़ाइन आएगा, एंड देन हम लोग इसको स्काई ब्लू कलर के ब्रश पेन से हाईलाइट करेंगे लाइक दिस, एंड इट विल बी लुकिंग सो गुड एंड प्रिटी एंड 3D टू। सो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। एंड गाइज, ये जब बनकर रेडी होगा तो बहुत प्रिटी लगेगा, एंड आई होप कि आपको भी लगेगा, एंड आपकी बेस्टी जो है वो बहुत खुश हो जाएगी। सो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है, अब हम लोग टेप को पुल आउट कर लेते हैं। सो गाइज, मैंने टेप को जस्ट पुल आउट किया, सो इसमें थोड़ा सा पेपर रह गया था, सो नो प्रॉब्लम, बट ये बहुत प्रिटी लग रहा है। सो अब हम लोग यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन से लिखेंगे बर्थडे, क्योंकि ब्लैक स्केच पेन ही लुक को इन्हांस करेगा। सो मैंने लिख दिया यहाँ पर, एंड देन हम लोग कुछ डिज़ाइंस दे देंगे। सो गाइस, आफ्टर ऑल डिज़ाइन देने के बाद चलिए और यहाँ पे डेकोरेट करते हैं हम लोग। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल स्टिकर बनाया था बलून वाला, सो वो मैंने यस्टरडे ही बनाया था नाइट के टाइम, क्योंकि मैंने आज प्लान किया था। सो यहाँ पर सबसे पहले एक स्टिकर मैं यहाँ लगाऊंगी, एंड एक पर्पल लगाया मैंने, क्योंकि मुझे डिमांड आ रही थी कि पर्पल प्लस पिंक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक साइड पिंक और एक साइड पर्पल लगा दिया है। आफ्टर ऑल मैंने एक और कलर बनाया था, गेस व्हाट। सो आप लोग मुझे गेस करके कमेंट्स में बताना, और मैं आपको वो वाला स्टिकर कल दिखाऊंगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि किसकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा बूस्ट है। आफ्टर ऑल हम लोग एक बो लगाएंगे रेड कलर का। सो गाइज, आप लोग गेस करना, उसके बाद मुझे बताना। वो लगाएंगे हम लोग सेंटर में, एंड इट्स लुक सो प्रिटी एंड गुड। एंड मैंने एक चॉकलेट बनाया था, स्टिकर। सो ये हम लोग लगाएंगे साइड में, मीन्स हियर। एंड इट लुक सो गुड एंड प्रिटी। उसके बाद एक डोनट बनाया है मैंने। सो गाइस, बर्थडे के स्टिकर्स भी आप होममेड बना सकते हो, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। सो अब ये पूरा पोर्शन फिलअप हो चुका है, अब हम लोग अपना कुछ हैंडमेड भी दिखाते हैं गाइस। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, ये हमारा पूरा रेडी है, और टॉप पर हम कुछ और अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, मैंने पेपर के ऑल द फोर साइड्स एक मार्जिन टाइप से बना लिया है,
एंड अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी। सो गाइज, मैंने ऑल द फोर साइड एक ट्राइंगल बना लिया है बहुत सारा, एंड सबसे फेवरेट कलर मेरे जो है वो ये तीन कलर से ब्लू पर्पल एंड पिंक, चलिए से कलर करते हैं। सो गाइज, ये था मेरा फाइनल डिज़ाइन, एंड साइड के कॉर्नर को भी हम लोग स्टिकर से वो भी हैंडमेड करेंगे डेकोरेट। सो गाइज, सबसे पहले तो एक हेलो किटी की स्टिकर आती है, वो बहुत क्यूट है एंड ये भी हैंडमेड है। सो मैं इसको पहले तो टॉप पे लगा रही हूँ, एकदम क्यूट सा लग रहा है बिल्कुल। एंड आफ्टर डैट ये है एक डोनट। सो ये थोड़ा अजीब टाइप का डोनट है क्योंकि मैंने इसको यूनिक बनाया था इसीलिए। एंड इसको मैं यहाँ लगा रही हूँ नीचे में ताकि थोड़ा सा लुक इनहेंस हो जाए। उसके बाद एक पिंक फ्लावर, ये भी हैंडमेड है गाइस, क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा होगा क्योंकि ये हैंडमेड है। एंड गाइस, ये इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी पोस्ट की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैंने ये पूरा का पूरा हेलो किटी बनाया है गाइस, ये मैंने बहुत पहले बनाया था और ये मुझे मेरे क्राफ्ट बॉक्स में मिला तो मैंने इसे ले लिया। एंड आई थॉट कि इसे भी लगा देते हैं। सो हेलो किटी मैं यहाँ पे लगाऊंगी, एंड ये कुछ ज़्यादा ही फोल्ड हो रहा था इसलिए मैंने इसको टैप टैप किया 2-3 times, तो ये हो गया। एंड ये क्यूट सा रेनबो स्टिकर गाइस। एंड आप लोग बताना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, एंड आपको कोई 3 अपने फेवरेट कलर्स का नाम बताना है। सो आप लोग को पता है कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता देती हूँ, पिंक पर्पल एंड ब्लू। एंड गाइस, हियर आल्सो आई हैव डन दैट ओनली पिंक पर्पल एंड ब्लू। आफ्टर दैट आई हैव दिस क्रिसमस वन स्टिकर, इट्स टू क्यूट। एंड दिस वीडियो आई हैव अपलोड इन माई यूट्यूब चैनल, सो लेट्स टेक दिस ऑल्सो। सो गाइज, दिस वन इज माई फेवरेट वन विच आई लाइक द मोस्ट, एंड ऑन द टॉप ऑल्सो वी विल स्टिक सम ऑफ द स्टिकर्स। सो गाइज, मैंने टॉप पर ये गिफ्ट वाला स्टिकर स्टिक किया है और ये हमने क्रिसमस के लिए बनाया था, बट अभी हम लोग इसको गिफ्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्रिसमस के लिए तो गाइज हम न्यू बना लेंगे। सो गाइज, मैंने इसको यहाँ पर भी स्टिक कर लिया है। ओके, आफ्टर डैट हम लोग यहाँ पे एक यूनिकॉर्न का हॉर्न वाला स्टिकर स्टिक करने वाले गाइज। ये बहुत क्यूट था एंड इट्स माई फेवरेट स्टिकर, बट गाइज आई हैव वन मोर, सो मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो ये हो गया है स्टिक। एंड गाइज, अब ये कार्ड बन के पूरा रेडी है। सो चलिए हम लोग इसको फिर से देखते हैं। आउटर कवर ऐसा है, मैंने पीछे कुछ नहीं किया है क्योंकि पीछे प्लेन ही रहता है हर कार्ड में। सो गाइज, दिस वन इज़ अ फाइनल लुक। सो गाइज, आप लोग बताना आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं, अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यूज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।